नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग में हमने खास तौर से जो टेक्नोलॉजी रॉयल्टी फीस के नाम पर भारत के गरीब किसानों से 5000 करोड़ रुपए का इलीगल तरीके से मॉन्सेंटो ने लूटा है हिंदुस्तान के अंदर, उस मुद्दे को हमने उठाया, क्योंकि भारत के प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन और फार्मर्स राइट एक्ट के तहत किसानों का बीज का अधिकार और ब्रीडर्स का अधिकार को प्रोटेक्ट किया गया है। उसमें बीज और प्लांट को पेटेंट नहीं किया जा सकता, कोई रॉयल्टी इस पर नहीं ली जा सकती। तो हमारी मांग रही है कि जो 5000 करोड़ की रॉयल्टी ली गई है उसको वसूला जाए मॉन्सेंटो से वापस, और इस पर रोक तत्काल, जो सरकार ने कॉटन सीड प्राइस रेगुलेशन किया है उसको जारी रखा जाए। देश की खाद्यान्न सुरक्षा को हम किसी भी कीमत पर इन कॉरपोरेशंस के हवाले नहीं कर सकते। इस बात पे कॉरपोरेशंस का क्या रुख था? कॉरपोरेशंस के पेट में दर्द है, लेकिन हिंदुस्तान की बीज की एसोसिएशन और बीज की कंपनियों ने इस बात को सही सराहा है और उन्होंने कहा है कि ये गलत हुआ है जो हिंदुस्तान में अब तक किया गया, ये गलती है और गलती को सरकार ने सुधारा है। इस बात को सरकार के कदम की सभी ने सराहना की है, वर्तमान सरकार ने जो कदम उठाया है, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में ये बात रखी थी कि हमें सीड प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी बहुत जरूरी है, और किसानों को जिस तरीके से जो अनुभव रहा है, बॉलगार्ड वन फेल हो गया, बॉलगार्ड टू इनका फेल हो गया, अभी पंजाब हरियाणा जैसे प्रदेश हमारे बर्बाद हो गए, किसान बर्बाद हो गए, 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और मॉन्सेंटो को लूटने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए, और उस लूट के लिए इन सारे लोगों ने इकट्ठा होकर एक नया फ्रॉड फेडरेशन जो इंटरनेशनल रैकेटियर्स ने बनाया है, ये हिंदुस्तान के किसानों के दुश्मन है ये लोग, और देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि बीज पर इस देश के किसानों ने हजारों हजारों साल से काम किया, इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा को हम उनके हवाले नहीं होने देंगे।